हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास टेंथ ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही चीज़ है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करने लेना है। ठीक है, वही मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ज़रा समझिए। सॉल्यूशन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ही रहेगा, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है? उसके बाद देखिए, एक्स को रूट टू से करेंगे तो रूट टू एक्स हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू एक्स। ठीक है, प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा, अच्छे से? इसके बाद देखिए, वो आसान है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, कॉमन क्या आएगा, जाहिर सी बात है एक्स की पावर 1 कॉमन आएगा। एक्स की पावर 2 में से एक्स की पावर 1 बाहर निकाल लिया तो अभी भी एक्स की पावर 1 बचा हुआ है माइनस, यहाँ है एक्स की पावर 1 और आपने एक्स की पावर 1 ऑलरेडी बाहर कॉमन निकाल लिया है तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 0 नहीं बचता है, जो बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं वो अपना दिमाग अपने पास रखें, 1 बचता है। ठीक है, या तो ऐसे समझ सकते हैं, एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पर जब एक्स की पावर 2 को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स की पावर 1 बचा। ठीक है, ये सब तो आप जानते होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट के बेसिक रूल हैं या बेसिक लॉ हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या लेंगे, अब देखिए अंडर रूट 2 तो कॉमन आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लें या माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लें, ये डिपेंड करेगा कि पहले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है। पहले ब्रैकेट में क्या है, एक्स माइनस 1, तो अब हमें यहाँ पे साइन अंडर रूट 2 का इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि दूसरा ब्रैकेट भी हमें क्या मिले, एक्स माइनस 1 मिले। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो देखो, अगर आप यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तभी आपको साइन क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 मिलेगा। अगर आपने कहीं गलती से प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो आपको साइन क्या मिलेगा, साइन मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1, जो कि ये वाले साइन से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं, अच्छे से? ठीक है, अंडर रूट 2 एक्स कॉमन लिया, यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, यहाँ प्लस है बाहर माइनस है तो अंदर क्या होना चाहिए कि माइनस के साथ जब उस साइन को मल्टीप्लाई कराया जाए तो प्लस हो जाए। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, प्लस अंडर रूट 2 है, आपने माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे हम कौन सा साइन रखेंगे कि जब उस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ऊपर क्या मिलना चाहिए, प्लस मिलना चाहिए, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड कराएंगे, 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। समझ में आई मेरी बेटा या नहीं मेरी बात? ओके, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 कॉमन है, एक ब्रैकेट में रख लो, ये दोनों कॉमन है, एक ब्रैकेट में रख लो, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी इसको एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 आ गई। क्लियर है बेटा, अच्छे से? चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट। ओके, ये देखिए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन में एक्स, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 40 आएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41 अपॉन में 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 41 को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 41x। क्लियर है, अच्छे से? इसके बाद देखिए, बहुत आसान है बेटा, देखो टफ कोई चीज़ नहीं है, बस आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो या नहीं। ओपन कर दो, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 41x। 41x को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, राइट हैंड साइड में प्लस 41x है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा जब इधर तो माइनस 41x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने ये जो 41x इधर आया है इसको बीच में क्यों लिखा, इसको बीच में क्यों लिखा, 20 के बाद लिख देते। तो बेटा इस वजह से लिखा है मैंने, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का टर्म लिखोगे, उसके बाद एक्स का टर्म लिखोगे, उसके बाद आपका जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी जो सिर्फ नंबर वाला है वो लिखोगे। ठीक है, इस वजह से मैंने 41x को 20 से पहले लिखा। क्लियर है ना बेटा? चलो, कोई डाउट मैं आपका बचने नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद देखो आप 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराया कितना आएगा बेटा, ज़रा बताओ 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराया कितना आएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कराओगे 400 आएगा, कितना आएगा 400, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या करोगे, 400 का आप एलसीएम निकालोगे, साइड में निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। वैसे मुझे पता है किस तरीके से टूटेगा लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 से ब्रेक करो कितना आएगा बेटा, 5 8 0, ठीक है, 5 8 40, 0 का 0, फिर 5 से करो 16 आएगा, 4 से, ठीक है, वैसे 2 से भी कर सकता था लेकिन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े बड़े नंबर से 4 से, क्लियर है बेटा। अब देखो 5 5 25, 4 4 16, 25 और 16 जब आप इसको प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 41। हमको यहाँ चाहिए कितना, 41 ही तो चाहिए, क्लियर है ना बेटा। कर लेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, 20x² माइनस एक्स, 41 को क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा 20x² माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। इसके बाद देखो 5 कॉमन आएगा, साथ ही साथ x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 4x बचेगा माइनस 5 बचेगा, ठीक है ना। 20x² माइनस 25x², x की पावर 2, x की पावर 1 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, ठीक है। 20 को 5 से डिवाइड किया, 4 आया, साथ में x बचा माइनस 5, यहाँ पे देखो क्या कॉमन बचेगा, 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा बेटा, 4 होगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 16 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 बचेगा, साथ ही x बचेगा, यहाँ माइनस है, ऊपर प्लस लाना है तो जाहिर सी बात है बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। 20 को 4 से डिवाइड कराएंगे 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, क्लियर है बेटा अच्छे से। इसके बाद देखो 4x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, इसको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ बचा क्या 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। ये हो गया 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, ओके बेटा क्लियर है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए बेटा इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, आसान है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। x² और यहाँ पे कुछ नहीं तो जाहिर सी बात है 1 ही कॉमन होगा, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, यही मेन चीज़ है कि आप x² x और 1 का एलसीएम निकाल पा रहे हो या नहीं, यही चीज़ बस देखने वाली बात है, ठीक है। तो समझिएगा मेरा, अगर आपको x² और x का एलसीएम निकालने को कहता, 1 को भूल जाइए कुछ देर के लिए, ठीक है, x² और x का एलसीएम निकालने को कहता तो इसका एलसीएम क्या आता, समझिएगा। अगर कोई दो वेरिएबल हैं और दोनों सेम वेरिएबल हैं तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसका एलसीएम हो जाता है। एक बार फिर से, अगर कोई दो वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है और दोनों सेम वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों x हैं, तो इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही इसका क्या बन जाती है, एलसीएम बन जाती है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। 1 को आप कुछ देर के लिए निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, वैसे 1 के होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपॉन में 1 लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई दो वेरिएबल हैं और दोनों सेम हैं तो उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इसका एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया बेटा, एलसीएम आपका आया x², समझ में आई मेरी बात या नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है। इसके बाद देखो x² को x से डिवाइड कराया, 1 बचेगा, 1 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करा दिया माइनस, x² को x से डिवाइड कराया, x बचेगा, x को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आ गया 5x, x² को 1 से डिवाइड कराया तो x² बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया कितना आया 2x² इज इक्वल टू 0, x² क्या होगा, जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसका काम तमाम हो गया, इज इक्वल टू 0।
यहाँ क्या बचेगा देखो, 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये थोड़ा तिरछा भाग गया, उसके लिए सॉरी। समझ में मेरी बात या नहीं? ठीक है ना, देखो पहले मैंने एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा, फिर x वाला टर्म लिखा, फिर क्या लिख दिया, सिर्फ जो कांस्टेंट था एक्स स्क्वायर जाकर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो वो ये भस्म हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, आपको लाना है यहाँ पे कितना है 5, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ दोगे कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 में 1 जोड़ दिया कितना आएगा, 5 आएगा। आपको यहाँ चाहिए कितना, 5 ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस एक्स 4+1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हो गया आपका 2x² माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, x की पावर 1 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 बचा, यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लोगे। ठीक है, प्लस 1 कॉमन मत ले लेना, प्लस 1 कॉमन लोगे तो माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। माइनस 1 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराओगे तो प्लस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट देखो। अपॉन में 15 है, अपॉन में 3 है, अपॉन में 1 कर दो। 3 15 1 का एलसीएम तो सब लोग निकाल लेते हो। ठीक है, मैं आप क्लास टेंथ में हो, मैं ये सब नहीं यहाँ पे नहीं बताने वाला, जाहिर सी बातें बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। 3 15 1 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। ठीक है, 15 को 15 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया तो एक्स स्क्वायर आया माइनस, 15 को 3 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा, 5 को उठा के एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो 5x आएगा, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 को उठा करके आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 150, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15 जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ, भस्म हो गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, 150 को एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कराओगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो, और अगर आप अपने से समझ जाते हो तो ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, 150 को 1 से मल्टीप्लाई कराया कितना आएगा बेटा, 150 ही आएगा। अब 150 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो आप साइड में इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 150 का एलसीएम तो सभी लोग निकाल लोगे। 15 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 150 आएगा, और जब आप 15 में से 10 माइनस कर दोगे कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे आपको 5 ही चाहिए। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना? चलो हो जाएगा 1x² माइनस एक्स 15 माइनस 10 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हो जाएगा 1x² माइनस 15x प्लस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 15। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा, एस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब तो बताने वाली बात नहीं है कि 10 और 150 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 होगा। ठीक है, ये सब तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा। एक्स माइनस 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स की माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 15 आ गई। उस तरीके से एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस 10 आ गई। क्लियर है बेटा? अच्छे से ओके चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 2। एक्स को उठा के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा बेटा, 3x² माइनस 8। ठीक है, फिर अपॉन में x हो जाएगा पूरे में इज इक्वल टू 2। ये सब तो आपको आता होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सिर्फ कोई नंबर होता तो मैं उस नंबर को भी उठा के इससे मल्टीप्लाई कराता। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये अपॉन में x इसी वजह से मल्टीप्लाई कराया,
यहाँ पे कोई नंबर होता तो भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता ही कराता, ठीक है। या तो एक तरीका ये है कि अपॉन में वन कर लीजिए, फिर वन और एक्स का एलसीएम निकालिए तो भी एक्स आएगा, चीज़ें वहीं पड़ेंगी, बस ये थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। एक्स जाके फिर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² - 8 इज इक्वल टू 2x। क्लियर है बेटा? अच्छे से, अच्छा इसके बाद देखो 2x को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? अच्छे से इसके बाद देखो 8 को उठा के आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे। 8 को जब आपने उठा के 3 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि 3 जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराया कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो मेरी बात समझना, 24 का आप यहाँ पे एलसीएम तो निकाल ही लोगे, जाहिर सी बात है। 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 24 आएगा, और जब आप 6 में से 4 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा। क्लियर है बेटा? चलो बेटा यहाँ पे मैं एलसीएम इस वजह से नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में हो। क्लियर है ना? चलो ये हो जाएगा 3x² - x 6 - 4 - 8 इज इक्वल टू 0। तो हो गया 3x² - 6x + 4x, ठीक है। ये सब भी नहीं बता रहा हूँ साइन वाला, माइनस एक्स को प्लस सिक्स से कराएंगे तो माइनस सिक्स एक्स बचेगा आएगा, मतलब माइनस एक्स को प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स से कराएंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो प्लस फोर एक्स बचेगा -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? अच्छे से, ओके। चलो कॉमन लो, एक्स की पावर 1 कॉमन आएगा, साथ ही साथ 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 2। यहाँ पे कॉमन क्या बचेगा, 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होता है, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हो गया एक्स माइनस 2, ये हो गया 3x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 3x + 4 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -4/3 आ गई। क्लियर है? अच्छे से। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट करते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए इसमें ये तो और आसान है, इसको बस आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, ओपन करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा मतलब थोड़ा लेंदी है लेकिन है आसान, ठीक है। देखिए कैसे, एक्स प्लस 2 जाके 3x - 7 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 2x - 3, किससे मल्टीप्लाई होगा जाके, एक्स प्लस 3 से, ठीक है। एक्स को 3x से मल्टीप्लाई कराया तो हो जाएगा 3x², एक्स को -7 से कराया तो हो जाएगा -7x, 2 को 3x से कराया तो हो जाएगा 6x, 2 को -7 से कराएगा तो हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 2x को x से कराया तो हो जाएगा 2x², 2x को 3 से कराया तो हो जाएगा 6x, -3 को x से कराया तो हो जाएगा -3x, -3 को +3 से कराया तो हो जाएगा -9, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो समझना बेटा, 3x² - 7x + 6x तो हो जाएगा -x - 14, ठीक है, इज इक्वल टू 2x² + 6x - 3x तो हो जाएगा +3x - 9, ठीक है। सबको आप ये वाली पूरी एंटिटी को, जो ये वाली है, इसको उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो 3x² और ये कितना हो जाएगा, 3x² - 2x², ठीक है। ये -x ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, -14 ये इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इन तीनों एंटिटी का साइन जब मैं इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो सबका साइन चेंज कर दिया, ये +2x² था, ये -2x² हो गया, +3x - 3x - 9 +9, ओके बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x² में से 2x² माइनस करेंगे तो बचेगा x² या 1x² -1x, -x लिखा है इसका मतलब क्या है कि -1x है और -3x, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, साइन लगेगा बड़ी गिनती का तो हो जाएगा -4x, -14 + 9 वही माइनस प्लस माइनस, 14 में से 9 गया बचा 5, साइन लगेगा बड़ी गिनती का इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? अच्छे से। फिर वही चीज़, 5 को उठा के 1 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। साइड में एलसीएम निकाल लो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा, और हमको यहाँ चाहिए कितना, 4 ही चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो,
ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोफिशेंट क्या है, 1 है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 5 आएगा, ठीक है। साइड में एलसीएम निकालो, 5 × 5 = 5, वही ठीक है, वही अरेंजमेंट होगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 आएगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 आएगा, और हमको यहाँ पे 4 ही चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर या 1x² कुछ भी लिख सकते हो आप, माइनस एक्स। 4 को क्या लिखेंगे, 5 − 1 − 5 = 0, क्लियर है बेटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 = 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x कॉमन क्या आएगा, x बचेगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, सॉरी प्लस 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 = 0। एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 = 0, ओके बेटा। तो x माइनस 5 = 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ जाएगी। यहाँ पे x प्लस 1 = 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे -1 आ गई, क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके बेटा। चलो इसके बाद देखो, 8/x + 3 −3/2 − x = 2, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का, अलग तरीके का देखो कैसे हैं। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, x प्लस 3 और 2 − x का एलसीएम निकालने बैठ जाएंगे, तो बेटा इसका एलसीएम निकलेगा ही नहीं, ठीक है। इसको करने का एक अलग तरीका होता है, अलग तरीका क्या है, मतलब तरीका तो वही है लेकिन थोड़ा मतलब ट्रिकी है, ठीक है, आप कह सकते हो अगर आपने पहले नहीं किया है, और पहले ये क्लास 9th वगैरह में भी था, अगर आप करके आए तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो इसको। देखो एक्स प्लस 3 और 2 − x आप क्या करोगे, एक साथ लिख दोगे, ठीक है। एक्स प्लस 3 2 − x क्या करोगे, आप एक साथ लिख दोगे। एक्स प्लस 3 2 − x को जब आप एक्स प्लस 3 से डिवाइड कराओगे क्या बचेगा, 2 − x बचेगा। 2 − x को आप 8 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, क्या करोगे, 2 − x को आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स प्लस 3 2 − x को आप 2 − x से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 बचेगा। एक्स प्लस 3 को आप −3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, = 2, ठीक है बेटा, समझ में आया ना। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, बस दैट्स इट, और नीचे इन दोनों को मिला के लिख दो, समझ में आया, ये है आसान भाषा, मैंने आपको पूरा मेथड भी बता दिया। मल्टीप्लाई करा लो, 8 × 2 = कितना हो जाएगा बेटा, 16 −8x −3x, ठीक है, ब्रैकेट तो ओपन कर ही लोगे, ये नहीं बताने वाला मैं। −3 को +3 से करेंगे तो −9, ठीक है, = 2, ये दोनों चीज़ें इधर भेज दो, ठीक है, एक्स प्लस 3 2 − x, क्लियर है बेटा, समझ में आया। अब इसके बाद देखो, है आसान ये भी, ठीक है, टफ नहीं है, समझना मेरी बात। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, −8x −3x हो गया −11x, ठीक है, 2। अब इसको ओपन करो, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 2x आएगा। x को −x से कराया तो हो जाएगा −x²। 3 को 2 से कराएंगे तो बेटा 6 हो जाएगा। 3 को −x से कराएंगे तो हो जाएगा −3x, क्लियर है बेटा अच्छे से, इसके बाद समझना। 2x −3x कितना बचेगा, 2x −3x −x बचेगा, −x को उठा के आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा −2x, ठीक है। यहाँ भी नीचे जगह कम है, इस वजह से दो स्टेप को मैं एक स्टेप में मर्ज करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। −x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा −2x². 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है, हो जाएगा 7 − 11x, क्लियर है अच्छे से। अब देखो, अब सारी चीज़ को आप राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, उसके बाद सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, −2x² को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x², ठीक है, −11x ये इधर आएगा तो हो जाएगा +2x, +7 ये हो जाएगा −12 = 0, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 2x²
ये हो जाएगा माइनस नाइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा? अच्छे से, अच्छा समझना मेरी बात। फिर वही चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का ये बन गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ क्या? चलिए रहने दीजिए, करवा देता हूँ। फाइव टू ज़ा टेन, टेन को कुछ इस तरीके से ब्रेक करो कि कितना आ जाए, नाइन आ जाए। तो भैया टेन वन जा टेन होगा, टेन में से वन माइनस कर दोगे कितना आएगा, नाइन आएगा। क्लियर है? अच्छे से चलो इसको कर लो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, टेन माइनस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है ना बेटा? अच्छे से इसके बाद देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। कॉमन क्या आएगा? टू कॉमन आएगा, साथ ही साथ एक्स कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस फाइव बचेगा। या इन दोनों में प्लस वन कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस फाइव बचेगा इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, क्या बचा? टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यही सब बातें मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? फाइव आ गई। ये टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन बाई टू आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है, देखिए कैसे होगा। मैंने क्या बताया था, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा एक्स माइनस वन की पावर टू, क्योंकि दोनों क्या है, एक सेम है, तो पावर टू हो जाएगी अपॉन में एक्स, एक्स माइनस वन एक साथ। इधर भी सॉल्व कर लो, टू टू ज़ा फोर और प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन में टू। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो थोड़ा जल्दी बता दिया मेरे ख्याल से। ये दोनों डिफरेंट है ना, तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई कराया क्रॉस में, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कराया तो हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वन और एक्स एक साथ लिख दिया इज इक्वल टू 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 ज़ा फोर और प्लस वन कितना हो गया, फाइव, फाइव अपॉन में टू। क्लियर है? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को माइनस वन से करें तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू। एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू। क्लियर है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो पहले लिख लो उसके बाद करो। समझ में आया? तो इसमें जाके पूरे में मल्टीप्लाई हो गया, फाइव जो है इसमें मल्टीप्लाई हो गया पूरे में। ओपन करो, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर एक्स। अच्छा ये सब तो आता है ना, टू को टू से किया, टू को वन से किया, टू को माइनस टू से किया, ये सब नहीं बताने वाला। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये हो जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। ठीक है, सारी चीज़ों को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर कहीं पे आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो, कहीं पे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि शिफ्ट कैसे करना है? ठीक है, तो बेटा मैं कुछ इस तरीके से शिफ्ट करता हूँ, इस तरीके से मैं चीज़ों को शिफ्ट करता हूँ, सेट नहीं करता हूँ, इस तरीके से मैं चीज़ों को शिफ्ट करता हूँ कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, यानी जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई ना मेरी बात? मैं कुछ इस तरीके से शिफ्ट करता हूँ, इस वजह से मैं, अब जाहिर सी बात है फाइव एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, दिक्कत उसमें भी नहीं है, उसमें भी हो जाएगा कॉमन लेके, लेकिन जाहिर सी बात है लिखने का एक तरीका होता है, तो मैं उस तरीके को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो ये जीरो हो जाएगा इस साइड, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जब इधर आएगा तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स ये वाला, और जब माइनस फोर एक्स इधर जाएगा तो प्लस फोर एक्स हो जाएगा, प्लस टू इधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। ये क्या बनेगा, फाइव एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स, तो आएगा माइनस वन एक्स और माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा या नहीं है? ठीक है, अब समझना बेटा,
अच्छे से, बहुत आसान है ये। टू को जब आपने वन से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, टू आएगा, ठीक है। टू को वन से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, टू आएगा, और यहाँ पे लाना कितना आपको, वन लाना है। तो भैया टू वन जा टू, और टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। क्लियर है ना, एक बार फिर से, टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो टू आएगा, टू वन जा टू, और जब आपने टू में से वन माइनस कर दिया तो वन आएगा, और यहाँ पे आपको चाहिए कितना, वन ही तो चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ये हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस टू, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, प्लस वन कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। क्लियर है ना बेटा, और यहाँ पे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन में x प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। वही सेम चीज़ है, ठीक है। x प्लस टू को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, अपॉन में x माइनस वन एक्स प्लस टू लिख देंगे, उसके बाद ओपन कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आसानी से देखो, समझना मेरी बात, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक साथ प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक साथ, ठीक है। एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक साथ इज इक्वल टू थ्री। समझ में आया ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराया लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया लिख दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया इज इक्वल टू थ्री। क्लियर है बेटा, अच्छे से। इसके बाद देखना, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को टू से करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स, वन को एक्स से करेंगे तो हो जाएगा वन एक्स, वन को टू से करेंगे तो हो जाएगा टू, ठीक है। प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस वन से करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस टू को एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस टू को माइनस वन से करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू, अपॉन में एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को टू से करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स, माइनस वन को एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन एक्स, माइनस वन को टू से करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। क्लियर है बेटा, अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखो, एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब समझना, टू एक्स प्लस वन एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, थ्री एक्स, माइनस एक्स माइनस टू एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स, ये दोनों मिलकर प्लस थ्री एक्स होगा, ये दोनों मिलकर माइनस थ्री एक्स होगा, एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। या तो ऐसा समझ सकते हो आप, प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। टू और टू मिलकर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस वन एक्स कितना मिलेगा, प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। क्लियर है बेटा, अच्छे से। इसके बाद देखो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 6। ओके बेटा, क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? इसके बाद देखो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या मिलेगा ज़रा देखो। समझ में आया बेटा अच्छे से? इसके बाद देखो, 3x² में से 2x² माइनस करेंगे तो हो जाएगा x², ठीक है, प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा समझ में आया अच्छा। इसके बाद देखो, x² लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये 1x² होगा, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा है बेटा, कितना आएगा ज़रा बताओ, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का एलसीएम निकालोगे, 2 और 5 में ब्रेक होगा, और 5 में से अगर 2 माइनस कर दोगे कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे आपको चाहिए कितना, 3 ही चाहिए। समझ में आ रही ना मेरी बात? मैं बार बार आपको यहाँ पे एलसीएम निकाल के बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उसी वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा, 10 का एलसीएम निकालो, 2 और 5 में ब्रेक होगा, 5 में से 2 माइनस कर दोगे 3 आएगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 3 ही चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा 1x² प्लस x 5 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया अच्छे से बेटा, क्लियर है? इसके बाद देखो, 1x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, माइनस 2 कॉमन आएगा, प्लस बचेगा प्लस 5, माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा नीचे जगह कम है, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 आ गई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से, समझ में आई मेरी बात या नहीं? ओके चलो, 15 का सेकेंड पार्ट देखो, ये वाला। इसके बाद देखो, ठीक है समझना मेरी बात अच्छे से, वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा x प्लस 5 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन में, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², एक्स को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5x, माइनस 3 को एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 3 को प्लस 5 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। समझ में आई बेटा मेरी बात अच्छे से या नहीं? प्लस एक्स को माइनस एक्स से किया ख़त्म, 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 8 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15, 6 8 = 48, ठीक है, 48 को आप उस साइड शिफ्ट कर दो कितना बचेगा, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48, और यहाँ पे चाहे इज इक्वल टू 0 लिखो चाहे इधर इज इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है समझ में आई ना मेरी बात? कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर ये राइट हैंड साइड में था लेफ्ट हैंड साइड में क्यों आ गया, सारी चीज़ें सेम हैं, 48 उधर गया माइनस 48 हो गया, बस मतलब अदला बदली कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, ये रहेगा x² प्लस 2x कितना आ जाएगा, ये माइनस 63 आएगा क्या, माइनस 63 आएगा, ठीक है, 8 और 5 13 के 3 कैरी लगा 1 6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, 63 को x² का कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करोगे, x² का कोफिशियंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये 1 होगा, ये तो क्लियर सी बात है। 63 का यहाँ पे साइड में एलसीएम निकाल लेना आप लोग, 9 7 जा 63, और 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, एक बार फिर से 63 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा, साइड में 63 का एलसीएम निकाल लेना, पेयरिंग कर लेना, 9 7 जा 63,
9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से कर लो, आसान है, आ जाएगा। x कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 एक साथ, x माइनस 7 एक ब्रैकेट, ठीक है। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 7। क्लियर है बेटा, अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।